चीन कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले चीन ने ऐलान किया कि उसने कोरोना वायरस पर काबू कर लिया है। चीन में 2 महीने तक कोई नया केस नहीं मिला, लेकिन अब उसकी फिक्र एक बार फिर बढ़ गई है। राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इनका स्रोत बीजिंग के सबसे बड़े थोक बाजार को बताया जा रहा है। संक्रमण रोकने के लिए राजधानी में सख्ती शुरू हो गई है और करीब 30 इलाकों में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल बीजिंग में शनिवार को लोकल ट्रांसमिशन के 36 नए मामले सामने आए, तो वहीं रविवार को भी 36 नए केस मिले। अधिकारियों ने अब मास टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख ने कहा है कि बीजिंग में मिला वायरस चीन के बाकी इलाकों में फैले वायरस से अलग है। उनकी राय है कि ये वायरस कहीं और से आया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कहां से आया होगा। बीते साल के आखिर में चीन में संक्रमण का केंद्र वुहान शहर था। चीन ने वहां संक्रमण पर काबू पाने के लिए करीब 76 दिन तक लॉकडाउन लगाया था। इससे देश के दूसरे हिस्सों में संक्रमण फैलने से रोकने में कामयाबी मिली थी। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट। घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।